हेलो फ्रेंड्स, मैं विराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ टाटा हेक्सा की एक्सीडेंट के ऊपर। तो चलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और टाटा हेक्सा की बिल्ड क्वालिटी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, जो पिक्चर्स दिख रहे हैं वो हेक्सा है जो कि 12 फिट नीचे खाई में गिर गई थी और पेड़ से उसका कोलिजन हो गया था खाई में गिरते वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस कार में जो थे वो 7 लोग बैठे हुए थे, पूरी फुल लोडेड कार थी, 7 पीपल्स थे। तो आप देख सकते हैं, सातों में से किसी को भी एक स्क्रैच नहीं आया, कोई सी भी माइनर सी भी चोट और मेजर सी भी चोट नहीं आई। तो और आप यहाँ देख सकते हैं, 12 फिट खाई में गिरने के बाद भी, पेड़ से टकराने के बाद भी हेक्सा में कितना डैमेज आया, दोनों आपकी बम्पर्स थोड़ा ही गया है, फेंडर्स किनारे से गया है, बस और लाइटें आपकी प्रॉपर वर्क कर रही हैं, साइड और बैक में कोई कोलिजन में वो नहीं आया है। तो और अनमेजर यहाँ पे सारे पीपल्स जो थे वो सेफ थे, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी, कार के 12 फिट ऊंची खाई से गिरने के बाद भी, साफ पूरे फुल लोडेड कार थी, तो सारे सेफ थे, किसी को भी छोटी सी भी इंजरी नहीं आई। तो दिस इज, तो आपको ये है हेक्सा की बिल्ड क्वालिटी। और अब यहाँ पे हेक्सा जो है वो दोबारा से आ रही है 4x4 बैच के साथ, और तो इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, ये प्रूवन व्हीकल है बिल्ड क्वालिटी के साथ। टाटा हेक्सा का जो ये कोलिजन हुआ, 12 फिट खाई बहुत ऊंची होती है, सारे पीपल सेफ थे क्योंकि ये फुल्ली लोडेड कार थी जिसमें सारे पीपल बैठे हुए थे तब भी। तो ये दिस इज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ टाटा एंड टाटा हेक्सा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक्स वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट्स।